नमस्कार दोस्तों, आज 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के कैसे बाजार चले। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। दोस्तों अभी समय जो हो चुका है 12:54 हो चुके हैं दोपहर के। मंडी में अभी तो सन्नाटा है चारों तरफ, देखो दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है जी, इधर भी नहीं है जी और इधर भी नहीं है जी, खाली बैठे जी अभी तो। चले जान लेंगे बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल हैं जी, क्या पोजीशन है। भाऊ जी नमस्कार जी, राम राम जी। भाऊ जी राम राम जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जी, आप बताओ। जहाँ पर मेला लगा होता था सिर्फ दो मुनीम बैठे और खाली कुर्सियाँ, और आप भी खाली जी। ऐसा है जी, एक पंजाब का माल गाड़ी थी। अच्छा जी। एक हिमाचल की थी। अच्छा जी। पंजाब की गाड़ी बिक चुकी है सुबह ही, और हिमाचल की एक जो मेरे पहले का माल पड़ा था वो लेके एक गाड़ी में बेच चुका। अच्छा जी। ये हमारे भाई साहब ने लिए है। अच्छा जी। साउथ के हैं। अच्छा जी। अच्छा, वो दिखाना नहीं चाहते अपने आप। अच्छा जी। तो एक गाड़ी उन्होंने लिया है, और बाकी बिक्री ना तो कम है ना ज़्यादा। अच्छा, बस अब ये जल चढ़ने के बाद बिक्री बहुत अच्छी निकलेगी। भाव में बता देता हूँ, 13-14 गाड़ी की आमदनी है और भाव समान है। अभी एक बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपने समान किसको बोलते हैं पहले रेट बता दो जी। वही 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 120 रुपए से लेकर हिमाचल के बता दो पहले। हिमाचल 150 से 225। 150 से 225 जो आज माल आया, आज वाला थोड़ा हल्का था, जो कल 500 माल था 225 मोटे माल बिक गए। अच्छा जी। अब जो है पंजाब का जी, पंजाब वही सेम बिका है जी, नीचे में 110-120। हाँ जी। ऊपर में 190। ये जैसे गोली है, बिल्कुल ब्रिक गोली है, 115-120 की बिकी है। अच्छा जी। अच्छा, तो कहाँ बताए हिमाचल के? 150 से 225। जो आपके पास ये डबल ए ट्रिपल ए बोला नूर, ये क्या क्या रहे जी? बोला नूर जो नूद है वो 140, साई 160, भोला 190। ये पक्की पोजीशन पे है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी आएगी मेरे पास 500। वैसे एमपी के रेट बता दो, एमपी राजस्थान के? वही वही समान है, वही पोजीशन है सर, 130 रुपये से लेके 200 रुपये एमपी राजस्थान यूपी बढ़िया। अच्छा जी। जितने भी मैदानी इलाके हैं, पंजाब हो गया, उनकी पोजीशन ये है। पहाड़ी माल जो है श्रीनगर का होगा तो 130 से 200, और अपना हिमाचल होगा 150 से 225। और कश्मीर क्या बताया जी आपने? कश्मीर जो है सर 130 रुपये से लेके ऊपर में 200। 130 में खिला हुआ माल है, बीच का माल है 150-60, एक्स्ट्रा मोटा है तो 200 रुपये। ये लगा लो जी, कश्मीर वालों को तो आपके 10 बार धन्यवाद करना चाहिए। कश्मीर देखो कहाँ पहुँच गया जी। अब वो मेन लाइन में आ गए, जो अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे, वाकई में कटे जाते थे, अब लेकिन कश्मीर मैदान में है, मजबूती से स्टैंड है। ठीक है जी। हाँ, अब आ जाती है जी, एक ना माहौल चल रहा है, एक घबराहट, एक रूमर है कि जी इतना माल चाइना तो आ रहा है, नो डाउट, और इस पर पकड़ धकड़ भी हो रही है, वो भी नो डाउट, आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे ज़्यादा पकड़ धकड़ होगी। हालांकि जो धमकियों का दौर है वो थम नहीं रहा, आपको भी पता है कि जो पिछले हफ्ते जो धमकी दी गई है कत्ल की, वो आप भी गवाह हैं उस चीज़ के, पहले बता दो है कि नहीं आप। चलो कोई बात नहीं, है जी ना। हाँ, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग गवाह हो, उन चीज़ों से तो डरते नहीं। बाकी जो ये चोरी छुपे माल आ रहे हैं, बिक रहे हैं, ये सरकार का काम है रोकना, और वो रोकेगी, सरकार एक्टिव है इस पर, तैयारियाँ हो रही हैं। अब आ जाते हैं, जो एक और घबराहट मार्केट में ताजी आई है कि जी ईरान आ रहा है, ईरान इतनी गाड़ियाँ पड़ी हैं, इतना वो पड़ा है। पहली बात तो मैं इसमें कुछ आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि ईरान को ऐसे नहीं आ रहे कि हमारे को 150 का 100 ताजा बेटा रख दे। तो सर जो ईरान में, ईरान की जो हवा आ रही है, अफगानिस्तान ईरान कह लो, अफगानिस्तान कह लो, एक नंबर का चाइना की जी आ रहा है, नो डाउट आ रहा है, आना है, आया नहीं अभी तक इंडिया में, बॉर्डर्स पे खड़ा है,
पहली बात तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, कोई ये 100-150 का नहीं बिकने वाला। ये माल हमारे को ड्यूटी व्यूटी पर के सामने वाले को 180-190 का पड़ता है। ठीक है जी, ठीक है जी। उन लोगों की विचार यही है कि एक आध गाड़ी तो भले इस भाव की बेच देंगे, लेकिन वो लोग 200-225-250 में बैठे, पहली बात तो ये समझ लें आप। ठीक है जी। दूसरी चीज़, इतनी आसान नहीं होता पासिंग में, गाड़ियाँ 3-3, 4-4 दिन से खड़ी हैं, और कोई बहुत सारी 20-50-100 गाड़ी नहीं खड़ी, 4-5 गाड़ी खड़ी है, लागत लगती है, नोट लगता है साहब, एक बयाना देना 10-20 लाख अलग होता है, और एक गाड़ी 20 टन की लगाएंगे, 150 रुपये किलो का लगाएंगे, कितने का हो गया 20 टन 150 रुपये किलो के हिसाब से, तकड़ी रकम बढ़ती है जी, 30-35 लाख हो गया। हाँ जी, है ना, 15-2 30 30 लाख। अब वहाँ पे उनसे बैंक गारंटी और मांगी जा रही है 40-40 लाख 35-35 लाख की पर गाड़ी, तो एक पहले तो पैसा लगाए वहाँ पे, फिर बैंक, कोई भी माल हवा में नहीं आने वाला, कोई भी माल आके 150-100-125-150 में नहीं बिकने वाला। ठीक है जी। तो हमारे को घबराहट किस चीज़ की हो रही है, जिस किसी को घबराहट हो रही है भाई वो मेरे को विदेशी माल दिलवा दो, मैंने पहले भी बोला था कि 150 मिलता हो तो दिलवा दो, मैं आज भी बोल रहा हूँ 150 मिलता हो तो दिलवा दो, 180 में दिलवा दो, सर 180 में भी कोई नहीं बेचने वाला विदेशी माल। ठीक है, जो एक नंबर से आएगा, दो नंबर से आ जाए वो चोरी छुपे 70-80-90 का बेच रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दो नंबर का अगर आपकी दुकान पे पकड़ा भी गया, आपने भले, आप कई लोगों के विचार किया, मैं बता दूं कि जी हमने तो आड़ती से ले लिया, आड़ती अपनी या आड़ती कहता है, मैंने किसी के बिल से ले लिया, पक्के बिल से, सर चोरी चोरी कही जाएगी, आप पक्के बिल से लें, आप ना लें, आप पे पकड़ा गया विदेशी माल दो नंबर में विदाउट पेपर, तो आप पे दिक्कत आएगी ही आएगी, आप समझ लें। जैसे वो सोना चोरी करके कोई वो सुनार पे बेच देता है, बाद में पुलिस छेद के पूछते हैं कहाँ बेचा। हाँ, साउथ वाले तो बोलते हैं कि जी हमने तो दिल्ली के आड़ती से ले लिया, उसका बिल ले लिया, लेकिन आप ये लिख लें, रहेगा तो दो नंबर का ही माल ना, भले यहाँ के आड़ती ने आपको बिल दे दिया, दिक्कत दोनों को आएगी, तो इस बात को दिमाग में रख के चलिए। पहली चीज, एक नंबर में जो माल आ रहा है कोई भी सस्ता नहीं आ रहा, ये लिख लीजिए, जो 40-40 लाख रुपये की बैंक ड्यूटियाँ मांगी जा रही हैं उसकी वजह से उनके भी हौसले पस्त हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं वो इस, अब उसका मैं एक सबूत देता हूँ कि 5 दिन से 2 गाड़ी बॉर्डर पे खड़ी है, पास नहीं हो पा रही, अब जिसका 5 दिन से 2 गाड़ी का मतलब 60 लाख का माल रोड पे पड़ा हो और पास नहीं हो, उन्हें 4-5 गाड़ी पीछे भी खरीदी हुई होंगी, तो जिसका 1.5-2 करोड़ रुपये बिना बात का इसमें अटक गया, फिर उसको 40 लाख रुपये गाड़ी के हिसाब से या 30 लाख रुपये गाड़ी के हिसाब से बैंक गारंटी भी जमा करवाए, तो डिस्टर्ब हो रहा है वो भी, तो इसलिए कहीं भी दूर दूर तक घबराने की जरूरत नहीं। अभी तक ये हो रहा था, बारिशें नहीं पड़ रही थी तो किसान घबरा रहा था कि जी हम बुआई कैसे करेंगे, बारिशें फुल फ्लाट हो रही हैं, किसान लगाएगा ही लगाएगा लहसुन, लहसुन रुकेगा नहीं। और अब यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है कि जी खुदाना जी अभी से किसानों को घबरा रहे हैं लहसुन नहीं लगाओ, भाई साहब मैंने तब भी एक बात बोली थी, आज भी ये बोल रहा हूँ कि जितना पिछले साल लगाया था उतना लगा लो। ठीक है जी, मैंने कहीं नहीं रोक रहा हूँ, कहीं मिसगाइड नहीं हो, जो लगाने वाले वो तो लगाएंगे, पर इसमें नए बंदे भी आएंगे, जो नए बंदे आ रहे हैं जिसने पिछले साल लगाया उतना आप लगा लो, और जो नए बंदे आएंगे 10-20% वो लगाएंगे, वो तो रुकेंगे इतना महंगा लेके, समझना, तो वो भी अपने हिसाब से लगाएंगे, कोई फ्री में लहसुन नहीं मिल रहा। ठीक है जी, 180-200 रुपये किलो का बीज लेके आप लगाओगे तो उसकी आप समझो कितना लगाओगे। ठीक है जी, अब जैसे ऊटी के टाइम मैंने बोला था जी 500-600 रुपये का लेके लगाना बेवकूफ़ी है, उस टाइम तक 800 रुपये हो गया, 1000 रुपये किलो बीज बिक गया, क्या हुआ जी, अब आ गया 300 रुपये ऊटी। हाँ जी, ऊटी 300 रुपये किलो में जितना चाहिए मिल रहा है। ठीक है जी, और ये अभी और टूटेगा, 200-250 रुपये में माल मिलता है ऊटी का भी, उसको लगाना बनता है, लेकिन वो भी लिमिटेड,
क्योंकि ऊटी के लिए मेरे वही शब्द है दोबारा जो दो साल पहले बोले थे कि ये ज़मीनों को ख़राब करते हैं। तो ठीक है, अभी अगेती फसल की वाली बात हो रही है, आप लगा दें ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लिमिटेड लगाइएगा और अपना देसी माल ही लगाइएगा जितना लगा। ठीक है जी, अगला साल फिर वही वाली बात है। मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं भगवान बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। सर प्रेडिक्शंस होती हैं, अगर हम बता दें तो ये किसानों के लिए भले के लिए है ना, कि कल को फिर किसान ज़्यादा लगा देगा, फिर वही वाली बात, 5 रुपये 10 रुपये मरो। तो अभी नहीं समझाएंगे तो कब समझाएंगे? ठीक है जी, तो इसको अदरवाइज नहीं लीजिए। कई लोग कहते हैं वो दोबारा वही टोंटबाजी हो जाती है, तो उसको अदरवाइज नहीं लीजिए। यही टाइम किसानों को रोकने का है, बचाने का है। लगाने के बाद फसल लगी गई तो उसके बाद क्या आप उसको बचा लोगे? ठीक है जी, फिर तो रिजल्ट आने हैं। तो ये तो चल चुका, फसल तो लग गई, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आने। तो सर मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, कहीं कोई डाउन नहीं हो रहा, कहीं कोई घबराहट नहीं है, हल्के माल से निकल लिए, सावन लगभग हो ही लिया, 2 दिन बाद जल है, ये 10 दिन की और दिक्कत है। पूरे हिंदुस्तान से दबा के बिक्रियाँ निकलेंगी, तो पहली बात मद्दी दिमाग से निकाल दीजिए, कहीं से भी दूर दूर तक नहीं दिख रही। आने वाले टाइम में मार्केट 20-30-40 में प्लस ही होगी, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, आप देखिएगा, आप खुद देखेंगे आने वाले टाइम में मार्केट प्लस पे जाएगी। तो अपना घूम के फिर वही वाला फंडा अपनाइए, आराम आराम से निकालिए, घबराइए नहीं किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से घबरा के माल नहीं निकालना, आराम आराम से बेचो। ठीक है जी, व्यापारियों में एक दिक्कत आ रही है, पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, कि वो माल बेचते हैं बेचने के लिए, तो सेंटर वाले उड़ा देते हैं, वो कहते हैं जी आपने इंटरव्यू दिया डाउन है तो सेंटर वालों ने उड़ा दिया, पेमेंट हमारे को 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपये ऐसे करके दे दें। तो कई प्रॉब्लम सामने हैं सर, मतलब कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जो लगते हैं छोटे से हैं क्योंकि वो दूसरे के हैं। ठीक है जी, क्योंकि वो दूसरे के हैं इसलिए छोटे लगते हैं, लेकिन जब आदमी से उसके दिल का हाल पूछोगे तो सब परेशान। ऐसे टाइम में विदेशी माल आते हैं और वो हमारे को मार के चले जाते हैं। जब कहीं जाके व्यापारी को लगता है यार 3 महीने मिले हैं, थोड़ा धंधा कह लेंगे तो थोड़ा बच जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे टाइम में हम विदेशी मालों को सपोर्ट करें तो सर कहाँ की इंसानियत है। सर मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ विदेशी मालों के, आप लोगों को भी सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब बिल्कुल खिलाफ होइए, ना ये आएंगे ना ये मार्केट डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, और बाकी घबराएं नहीं, आराम आराम से बेचें, मद्दी नहीं दिख रही अभी, अभी कहीं भी मद्दी नहीं दिख रही, मार्केट प्लस पे जाएगी, तो थोड़ा आराम आराम से बेचो, जल्दबाजी नहीं करो। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, राम राम, राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।